ये है गोवा का वो ऐतिहासिक चर्च जिसे पोर्तुगीज ने उनकी मुस्लिम आर्मी के ऊपर जीत को समर्पित या कह लो याद रखने के लिए बनाया था। दोस्तों इसका निर्माण शुरू किया गया था 1562 में, जो कि पूरा बनकर तैयार हुआ 1619 में। एक्चुअली में जो उनकी ये जीत थी वो उसी दिन हासिल हुई थी जिस दिन सेंट कैथरीन की फीस्ट थी, तो इसलिए इसे नाम दिया गया कैथेड्रल ऑफ सेंट कैथरीन, जो कि सी कैथेड्रल के नाम से भी मशहूर है। मस्ट विजिट प्लेस है ओल्ड गोवा की, आपको गोवा के इतिहास के साथ जोड़ कर रखती है। उधर हमने गाड़ी पार्क करी है और वहाँ से गाड़ी से पार्क करने के बाद हम यहाँ पैदल आकर अपना एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है, जो चर्च है यहाँ पर किसी की बॉडी है उसको देखते हैं क्या सीन है। सब बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है गोवा की। ये है बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और ये GoPro की बैटरी चेंज होगी, GoPro की बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, तो इसलिए मामा जी बैटरी अब चेंज कर रहे हैं। अभी तक हो रहे हैं, टाइम हो रहा है अभी 2:22, गोवा का हमारा ये सेकंड डे है और ये मामा जी बैटरी चेंज करते हुए। हाँ जी, आपका ब्लॉक हाईजैक हो चुका थोड़ा, पकड़िए पकड़ के रखिए। ब्लॉक हाईजैक होते हुए बैटरी चेंज, दूसरे मामा जी और ये बड़ी हो रही है। ये कौन है दिखाता हूँ मैं आपको बैक कैमरा से। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। और जो दूसरा चर्च था गाइस उसमें काफ़ी और भी ज़्यादा क्राउड था, जैसे वो दूसरी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, उसमें और ज़्यादा क्राउड था। इधर थोड़ा फिर कम है, आई डोंट नो व्हाई, बट पिछले वाले उसमें बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं अभी, ये काफ़ी लूज हो रहा था इसका, ये GoPro का ना, और काफ़ी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों इस वक्त पूरी बारिश और तेज़ हो गई, अब जोरों शोरों से बाहर। तो मैं आ चुका हूँ अंदर चर्च में, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अंदर बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस है। थोड़ा पिक्चर क्वालिटी को, थोड़ा वीडियो क्वालिटी को थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप, तो आपको अंदर लेके चलता हूँ। Thank you.
हम जा रहे हैं अपने टैक्सी ड्राइवर के पास जहाँ पर हमें ड्रॉप किया गया था, उधर ही। देखो बारिश हो रही है पूरी, ऑलमोस्ट अभी तक तो बारिश ही मिली है। उधर ही आ रहे हैं सर, उधर ही आ रहे हैं जहाँ ड्रॉप किया आपने। ओके जी, देखने को तो मिल ही रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसा तो है नहीं पूरा वेस्ट जा रहा है, बट बारिश ना वो कर रही है। जैसे मर्जी सरकमस्टेंसेस हो, बस एंजॉय करो यार। स्टोन के अपने पास सर, ये हमने परचेज कर लिया है, ये ले लिया है, और ये अपने पास स्टोन के बड़े हैं। ओके सर, कितने हो गए? क्या चीज है, कितना अमाउंट बोलो? ये ड्राई फ्रूट चॉकलेट दिए इन्होंने भी। डबल जी ब्लॉग सर, हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब, ठीक है जी, थैंक यू। उन्होंने फ़ोन आ रहा है सर, हम आ रहे हैं आपके पास ही आ रहे हैं, ठीक है आगे वहाँ, बस थोड़ी देर में, दो मिनट में पहुँच गया आपके पास। ख्वाहिश हो आ गई